सो ही गाइस, कैसे हो सभी लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया ही रहना। तो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इंडस बैटल रॉयल गेम के एक और मजेदार सी न्यू वीडियो में। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडस के क्लोज बीटा का काफी सारे प्लेयर्स को एक्सेस मिल चुका है। आप चाहे वो एंड्रॉइड डिवाइस में खेल रहे हो या फिर आईफोन में, दोनों ही प्लेयर्स है भाई यहाँ पे आप लोग इंडस की क्लोज बीटा को खेल पा रहे हैं, एंड वो भी घर बैठे। एंड आप में से काफी सारे प्लेयर्स जिनको अभी तक इंडस के क्लोज बीटा की बीटा किट नहीं मिले, और आप लोग भी भाई किसी तरीके से इंडस क्लोज बीटा की हासिल करना चाहते हो और आप लोग भी गेम डाउनलोड करके खेलना चाहते हो, तो कोई बात नहीं गाइस। अगर आप लोग को अभी तक गेम डाउनलोड करके खेलने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि गाइस इस वीडियो में मैंने आप लोग के लिए इंडस कीज का भी गिव अवे रखा है, जो कि गाइस मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे आप लोग को इंडस बीटा कीज मिलने वाली है, एंड गाइस कैसे आप लोग गेम को डाउनलोड करके खेल सकते हो। बट गाइस, जैसे कि आप लोगों में से मैक्सिमम प्लेयर्स को पता होगा, लेकिन आप में से जिनको पता नहीं है, मैं आप लोग को बता देता हूं, इंडस स्टार्टिंग से यार स्पोर्ट पे काफी ज्यादा फोकस कर रहा है। हम लोग को इंडस के क्लोज बीटा आने से पहले एक टूर्नामेंट देखने को मिला था जिसमें 10 लाख तक का प्राइज पूल रखा गया था, एंड अभी रिसेंटली गाइस वुमेन्स डे वाले दिन यानी कि 8 मार्च को हम लोग को फिर से इंडस के क्लोज बीटा प्लेयर्स के लिए इंडस अनचेन टूर्नामेंट देखने को मिला है, जिसमें 6-7 तारीख को 5 से लेकर 7 बजे के बीच शाम को हम लोग को क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट देखने को मिलते हैं, एंड 8 तारीख को गाइस हम लोग को फाइनल्स देखने को मिलता, जिसमें टोटल 12 टीम्स ने क्वालिफाई किया था। एंड गाइस, लीडर बोर्ड की बात की जाए तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इंडस अनचेन फाइनलिस्ट क्लोज बीटा टूर्नामेंट का हम लोग को यहाँ पे कुछ इस टाइप से लीडर बोर्ड देखने को मिला था, जिसमें गाइस टॉप 12 टीम्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जिनका स्कोर वगैरह आप लोग सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो। एक नंबर पे यहाँ पे हमारी मोगस टीम रही थी जिसमें 492 स्कोर बनाए थे, एंड इसी तरह का आप लोग सभी टीम्स के यहाँ पे स्कोर वगैरह देख सकते हो। एंड शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भाई हर एक किल का इस टूर्नामेंट में 1 पॉइंट एंड कोसम क्लच यानी कि विक्ट्री का यहाँ पे 5 पॉइंट हर एक टीम को देखने को मिला था, तो इस तरीके से यहाँ पे स्कोर काउंट हुए थे, एंड स्कोर का लीडर बोर्ड वगैरह तो मैंने आप लोग के यहाँ पे दिखाई दिया। तो इस तरह 6 और 7 मार्च को होने वाले टूर्नामेंट मैचेस में स्कोर के बेसिस पर टॉप 12 टीम्स को सेलेक्ट किया गया, एंड इन 12 टीम्स को मौका मिला नेक्स्ट डे यानी 8 मार्च वुमेन्स डे वाले दिन होने वाले अनचैन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का। तो इन 12 टीम्स के साथ ही अनचैन टूर्नामेंट में गोल्ड लाइक गर्ल्स की टीम्स ने भी पार्टिसिपेट किया, जिसमें टोटल 5 मैचेस हुए थे। फर्स्ट मैच की बात की जाए तो यहाँ पे क्लेची को एलिमिनेट कर दिया था हमारे एक्सएल रोक ने, तो ये तो सिर्फ मैच फर्स्ट था, लेकिन मैच सेकंड की बात की जाए तो यहाँ पे कोसम स्मोर होने के बाद यूएनकेडी के जो प्लेयर्स थे भाई अपने टीम्स को भाई पूरा सपोर्ट कर रहे थे, स्मोक के ऊपर स्मोक किए जा रहे थे, और यहाँ पे यूएनकेडी ने कोसमेम क्लच कर लिया था। और गाइस, अगर आप लोग को भी कोसमेम क्लच करना है तो भाई आप लोग पास भी ऐसी टीम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि भाई आप लोग को टाइम मिलने पर सपोर्ट कर सके। नेक्स्ट गाइस, मैच थर्ड की बात की जाए तो गाइस यहाँ पे एसटी टीम के साथ मोक टीम का यहाँ पे फाइट हो रहा था, और मोक टीम को अच्छे से पता था कि भाई कोसमिक स्पॉन होने वाला, इसलिए उन्होंने पहले से स्मोक ग्रेनेड काफी सारे कर रखे थे, जिसे यार किसी को पता ही नहीं लगा, और तुरंत से भाई यहाँ पे मोक टीम ने कोसमिक क्लच कर दिया, बाकी जितनी भी टीम थी वो देखती रह गई। एंड गाइस, मैच फोर्थ की बात की जाए तो यहाँ पे भाई कोबरा आईटी एक्सआरएल टीम का बिल्कुल अकेला पड़ चुका था, जबकि यहाँ पे डीजी टीम के गोड रैपर वाइटी आ चुका था। एंड गाइस, गोड रैपर वाइटी ने यहाँ पे 2-2 प्लेयर्स को नॉक डाउन कर दिया था, जो कि यार काफी ज्यादा बढ़िया मूवमेंट था यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला। बट इतने में यार डीजी टीम के यहाँ पे और बंदे आ चुके थे, एंड गाइस यहां पे यार काफी बढ़िया मूवमेंट हम लोग को देखने को मिला था। और मैच 5 में एक्सएलएल टीम के रॉक यहां पे अकेले पड़ चुके थे डीजी टीम के 2 प्लेयर्स के सामने, बट गाइस रॉक ने किसी भी तरीके से यहां पे डीजी टीम के 1 प्लेयर को नॉक डाउन कर दिया था, बट हेल्थ काफी ज्यादा डाउन होने की वजह से डीजी टीम ने यहां पे एक्सएलएल रॉक को एलिमिनेट कर दिया, और यहां पे विक्ट्री ले ली विदाउट कोसमियम को कलेक्ट किए हुए, जो कि यार काफी ज्यादा यहां पे बढ़िया मूवमेंट था। तो क्लोज बीटा प्लेयर्स के इस अनचेन टूर्नामेंट में गोडलाइक गर्ल्स की टीम ने पार्टिसिपेट जरूर से किया, बट यहां पे कोई भी प्राइज नहीं ले पाई। यहां पे सबसे टॉप में रही हमारी मोक टीम, जिनको ट्रॉफी के साथ 1.5 लाख तक का कैश प्राइज पूल मिला, एंड फर्स्ट प्लेस वाले को आईफोन मिला, एंड इसी के साथ में सेकंड नंबर पे आई हमारी एक्सएलएल टीम जिन्होंने 75,000 तक का कैश प्राइज पूल जीता। थर्ड पे यहाँ पे हमारी डीजी टीम रही जिसको 30,000 तक का प्राइज पूल मिला। फोर्थ पे यहाँ पे हमारी ये रही पीएस टीम जिसको 15,000 तक का प्राइज पूल मिला, और एमसी उठाया हमारे एक्सएलएल रोक ने जिसको यहाँ पे टोटल 30,000 तक का प्राइज पूल दिया गया है। तो भाई कुछ इसी तरीके का रिकैप रहा है आप लोग के इंडस अनचेन टूर्नामेंट का। तो गाइस, गेम के आने से पहले हम लोग को इस तरीके के स्पोर्ट टूर्नामेंट देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आप लोगों को काफी अच्छा खासा प्राइस पूल भी दिया जा रहा है। तो गाइस, जब गेम आ जाएगा तो इससे भी काफी ज्यादा बेहतर, काफी ज्यादा गुना आप लोगों को प्राइस पूल देखने को मिलने वाला है। रही बात गाइस आप लोग की इंडस के क्लोज बीटा की एक्सेस की, या गाइस बीटा की किस तरीके से मिलने वाली है, क्योंकि मुझे पता आप में से काफी सारे प्लेयर्स इंडस की क्लोज बीटा की बीटा की लेना चाहते हैं, ताकि गाइस आप लोग भी गेम खेल पाओ। तो गाइस आप लोग इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, आप में से कोई भी टॉप 5 कमेंट्स को मैं यहां पे सेलेक्ट करूंगा, जिनको गाइस मैं इंडस की क्लोज बीटा की देने वाला हूं। तो गाइस आप लोगों को भी वो की मिल सकती है। बाकी गाइस, अगर आप लोग भी इंडस गेम के डेवलपर्स को कुछ भी फीडबैक देना चाहते हो, या गाइस आप लोग इंडस गेम से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। होप करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कोई न्यू इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।